गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर युधमेश सिंह जी अध्यक्ष आईएसबीटीआई डॉक्टर संगीता पात्र जी और डॉक्टर किया रैना जी आप सब भी प्रज्वलन में सहयोग कर रहे हैं। मैडम आप साइड हो जाए। ये जलते हुए दिए धीरे धीरे हम सब के रसोई से हम यही अनुभव कर चाहते हैं। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले की तरफ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा आज के गेस्ट है ये जिस चीज को विजुलाइज करते हैं थॉट करते हैं और उसके बाद उसको फीलिंग से फोकस करते हैं वो चीज हो जाती है और उसका सबूत जम्मू एंड कश्मीर आपके सामने है कितना कुछ हो रहा है। इसी के साथ जो हमने रिलीज करता है इसमें आपका नाम ये संदेश प्रकाशित है। आप सबका हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन ब्लड डोनेशन एकमात्र वह सेवा है जो सीधे तौर पर किसी न किसी की जान बचाती है, इसलिए लैब और क्लिनिक में काम करने वाले स्पेशलिस्ट की भी मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। वह तकनीकों पर काम करें, लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित भी करें और जागरूकता भी बढ़ें। मुझे याद है 2018 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनीमिया मुक्त भारत का संकल्प देश के सामने रखा तब अनेक स्टेक होल्डर्स डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट ने पर्सनल लेटर्स वीडियो मैसेजेस के द्वारा देश भर में ब्लड डोनेशन से जुड़ी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया था और उसका परिणाम ये रहा कि मातृत्व सुरक्षा अभियान में पिछले 4 सालों में देश ने काफी उपलब्धियां हासिल की। अनेक नए माइलस्टोन हमने अर्जित किए हैं। मैं समझता हूं कि आज भी मानव पीड़ा को कम करने के लिए हमें लोगों को एकजुट तथा प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति साल में मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, सुना है कि 4 बार तो न्यूनतम ब्लड दे सकता है। हर तीसरे महीने ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं है और उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होता, बल्कि लोग मानते हैं कि लाभदायक भी होता है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में खासतौर से 60 साल के कम उम्र के लोगों को ये संकल्प लेना ही चाहिए कि जीवन के महत्वपूर्ण मौकों पर, कोई त्योहार हो या उनका जन्मदिन हो या राष्ट्रीय पर्व, वो अवश्य ब्लड डोनेट करें। दूसरे की जान उससे बचा सकते हैं और मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं सभी शैक्षिक संस्थाओं से भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ,
लोगों को स्वस्थ रखने, लोगों की जान बचाने के दिन रात सेवा में जुटे हैं, उन्हें आपके सहयोग की जरूरत है और आप सभी मिलकर ब्लड डोनेशन की नेक पहल के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैं आप सभी को एक बार पुनः इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 दिनों में जो रोडमैप आप बनाएंगे वो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश में लोगों की जिंदगी बचाने में मदद करेगा, नई उपलब्धियां हासिल करेगा। मैं फिर से आयोजकों को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबको फिर से देखो तक अपने पानी के जहाज लेकर पहुंचते थे और जो स्टील हम पैदा करते थे शायद दुनिया में उस तरह का स्टील कहीं नहीं था, अभी जो इनको इतिहास जिन्होंने कभी पढ़ा होगा ऐसे निशान दुनिया के अनेक समुद्र तलों को मिलेंगे जो भारतीय निशान है। सोना हमारे लोग ले जाते थे, अरे लोहा और सोना लेकर के आते थे। ये काल कारण वस्तु गुलामी के काल में मुझे लगता है जो नॉलेज इकॉनमी हमारी थी जिस दिशा में फिर से अग्रसर हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए और इसके कारण आज हम दुनिया के दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं। मैं विषय से भटक गया था। ये सच है कि एक ब्लड मूंग की मूल में सारे का सारा हेल्थ यूनिवर्स और उसका डेवलपमेंट समाया हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि वन ड्रॉप ऑफ ब्लड कवर्स द इंटायर हेल्थ यूनिवर्स। ये भी उतना ही सच है कि हेल्थ सेक्टर में जितने भी शोध हो रहे हैं, जितने रिसर्च हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रिएक्शनरी ट्रीटमेंट की है। मेडिकल रिसर्च की एक दूसरी समस्या ये है, कुल बजट का मात्र 2% डायग्नोस्टिक रिसर्च पर खर्च किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस है या इस तरह के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और वक्त आ गया है कि हमारे देश के सामने जो चुनौती है करंट हेल्थ सिस्टम को रिएक्टिव सिस्टम से निकाल कर कैसे प्रोएक्टिव सिस्टम की तरफ ले जाए और उसके हिसाब से हेल्थ बजट में भी परिवर्तन किया जाए, यह आज समय की आवश्यकता है। अभी जो एक पिछले 2 सालों में महामारी देश ने या दुनिया ने झेली कोरोना के नाम से, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे खासकर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं, इस सेक्टर से जुड़े जो स्टूडेंट हैं, इन सबको भी एक संदेश मिला है। भविष्य में ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें और अधिक डायग्नोस्टिक किट विकसित करने होंगे और इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर हमें फोकस करना होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इम्यूनोलॉजी से जुड़े बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स स्टूडेंट्स देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। मेरे जाने के बाद इन्हें जरूर बताया जाएगा। जी जी, तो क्या आपको कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि डायग्नोस्टिक जो साइंस है उस पर ज़्यादा थ्रस्ट देना चाहिए, तो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अवेयरनेस? देखिए, डायग्नोस्टिक जो साइंस है वो तो लेबॉरेटरी से कंसर्न करती है, वो पैथोलॉजी से कंसर्न करती है, माइक्रोबायोलॉजी से कंसर्न करती है। एज फार एज घर की बात जो है देखा जाए तो एक आदमी 18 साल से लेकर 65 साल तक हर 3 महीने के बाद ब्लड दे सकता है, 1 साल में 4 दफ़ा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 टाइम्स वो 18 से 65 ईयर्स तक दे सकता है बगैर किसी नुकसान के। क्योंकि इसमें किसकी ज़रूरत है? विल पावर की ज़रूरत है। हर एक इंसान के अंदर शक्तियां हैं, भगवान की दी हुई शक्तियां हैं, और जैसे आप ब्लड देंगे इमीजिएटली हमारे अंदर जो उसकी फैक्ट्री है ब्लड बनाने वाली, जो हमारी लंबी लंबी हड्डियों में होती है, गूदा कहते हैं उसको, वहाँ वो फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 24 आवर ब्लड वो कंप्लीट हो जाएगा, पुराना ब्लड निकलेगा, फ्रेश ब्लड आ जाएगा। सो इनफैक्ट ब्लड देने से जो ब्लड जो डोनर है, जो देने वाला है, उसके अंदर भी स्फूर्ति आती है और जो लेने वाला है उसको भी फायदा होता है। इसलिए ब्लड डोनेशन इज ए वेरी गुड थिंग, एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड फॉर दिस। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या आपको लगता है कुछ नया चीज़ करने वाली? बिल्कुल नया चीज़ किया हमने, नया चीज़ ये किया कि हमने ये किया कि हाउ टू अचीव 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बाई अडॉप्टिंग योगिक वे ऑफ लाइफ। अगर आप योगिक वे ऑफ लाइफ अगर करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस कम होगा,
आपके अंदर एक देने की भावना आएगी, लोगों की सेवा करने की भावना आएगी, तो नेचुरली उसको अंदर ब्लड देने की भावना भी आएगी। और अगर वो योग करेगा तो पहले हो सकता है उसको ब्लड की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर छोटी मोटी बीमारियां वैसे ठीक हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एक कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और ज़्यादा लोग आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि लोग ब्लड दें ही ना, ब्लड की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों ज़रूरत पड़े अगर आपकी सेहत अच्छी है तो, ठीक है ना। इसलिए हमने योग को साथ में इसको जोड़ा, ठीक है। यस।